please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रियल एस्टेट जो मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट काला बाजारी की वजह से बहुत ज़्यादा बदनाम रहा है, सुर्खियों में भी रहा है, तो रेरा आया था इसके लिए, सरकार रेरा लेके आई, रेरा के आने के बाद क्या आपको लगता है कि काला बाजारी कुछ कम हुई है, मार्केट में सुधार आया है? बिल्कुल, रेरा मीन्स रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016. मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ. ये एक्ट आया इसीलिए है ताकि किसी एक बॉडी को कंट्रोल किया जा सके. तो रेरा आने के बाद डेवलपर्स के ऊपर काफ़ी भारी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर मान लो बायर जो घर ले रहा है, अगर वो इंटरेस्ट पे नहीं कर, अगर वो पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा है, तो उस पर बहुत हैवी पेनल्टीज और इंटरेस्ट लगा दिया करता था. और सेम वे अगर डेवलपर कोई गलती कर रहा है तो उसके ऊपर कोई रेगुलेशन ही नहीं था, या फिर वो एग्रीमेंट में कोई बहुत छोटा सा नॉर्म लगा देता था जिसके तहत वो बच जाता था, या बहुत मामूली सी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ती थी. अब रेरा आने के बाद ऐसा कुछ हो गया है कि उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, रेगुलेशंस आ गए हैं, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली वो काम करे. अब रेरा आने के बाद जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बायर जो है उससे काफ़ी प्रोटेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट फील कर रहा है कि वो उसका पैसा जो है सिक्योर हो गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या होता था, एक पॉइंट बताता हूँ कि पहले चलता था प्री लॉन्च, कि भाई प्री लॉन्च कर दिया, प्री लॉन्च के नाम पे मतलब प्रोडक्ट आया ही नहीं है मार्केट में, उससे पहले ही आपने उससे पैसे बना लिए. ये एडवर्टाइजिंग शुरू हो जाती थी और बुकिंग शुरू हो जाती थी. बिल्कुल, एडवर्टाइजमेंट और प्री लॉन्च इज़ बेसिकली प्रोहिबिटेड अनलेस एंड अनटिल आपने कोई वहाँ से रेरा से रजिस्टर्ड कराया. अब जो भी प्रोजेक्ट आप लेके आने वाले हो, सबसे पहले एडवर्टाइज करने से पहले या प्री लॉन्च करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा. सेकेंडली, आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं या कोई भी चीज़ को आप कोई भी पैसा लेते हैं लॉन्चिंग का, तो आप सबसे पहले उसके अंदर परमिशन लेकर और उसके अंदर रेरा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा. सेकंड, फंड सिक्योर हो गया. फंड सिक्योर क्यों हो गया? पहले क्या होता था कि बिल्डर क्या करता था, यहाँ का पैसा लगाया वहाँ, वहाँ का पैसा लगाया वहाँ. अब इस केस में क्या होता था, भाई जो बायर है उसने पैसा तो अपना एक ही प्रोजेक्ट में लगाया है. अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर एक प्रोजेक्ट को उसका जो 70% ऑफ फंड है एक सेपरेट अकाउंट में रखना पड़ेगा, और वो 70% ऑफ द फंड्स विल बी यूज्ड ओनली फॉर द सेम प्रोजेक्ट. यहाँ पे भी बात खत्म नहीं होती है, इसके अलावा जो भी वो यूज़ कर रहा है 70%, उसको एक टैक्स प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसको ऑथेंटिकेट भी कराना पड़ेगा. तो इससे कहीं ना कहीं बायर को ही फायदा हुआ है, कि भाई कई बार प्रॉब्लम कहाँ आती थी कि भाई पैसा लगाया तो इधर का था, चला गया कहीं और, या दूसरा प्रोजेक्ट खरीद लिया बिल्डर ने. अब ये 70% ऑफ द फंड अगर उसी में यूज़ होगा तो ऑब्वियसली बायर को एक तो टाइम पे प्रॉपर्टी मिलेगी, और भी चीज़ें टाइम पे मिलेंगी, और बायर कहीं ना कहीं सिक्योर फील करेगा. तीसरा पॉइंट है कि पहले क्या होता था कि कोई भी बायर डेवलपर जो होता था कभी भी कोई ऑल्टर करता था, किसी भी चीज़ में ऑल्टर कर देता था, और बायर को सिर्फ बताया था कि भाई ये ऑल्टर हो गया और इसके अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें करनी. नहीं, अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. कोई भी ऑल्ट्रेशन होगी आपको सारे बायर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा. इन एडिशन टू दैट आपको 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से परमिशन भी लेनी पड़ेगी, उनको एक उनकी अथॉरिटी लेनी पड़ेगी कि आप ये चीज़ें कर रहे हैं. तो इससे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा है. पहले क्या होता था, कई बार मेजॉरिटी ऑफ राइट्स वो अपने ट्रांसफ़र कर देता था, बिल्डर किसी और के नाम पे पैसा आ रहा है, बाद में पता चलता था बिल्डर ही चेंज हो जाता था. तो अब जब तक 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से उनका परमिशन नहीं लेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं है. चौथी मैं बात करूँगा एक RW प्रोविज़न. अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जैसे ही बिल्डिंग होती है कंप्लीट, आप उसके अंदर RW मैंडेटरी बनाओ 3 महीने के अंदर अंदर. इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे ही एक एसोसिएशन बनेगी तो जो भी आपकी दिक्कतें हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी RW के थ्रू सॉल्व होती जाएंगी. और दूसरी बात मैं करूँगा कि अब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करते हैं कि क्या करता था बिल्डर. पहले कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे देता था कि ये आपकी ये है, बताता था कुछ, बाद में कुछ और चीज़ें निकल जाती थी. अब वो इनिशियली 1-2 साल में तो पता नहीं चलती थी. अब गवर्नमेंट ने एक लाइबिलिटी निकाल दी है कि 5 साल के अंदर कोई भी डिफेक्ट आता है उसके अंदर तो बिल्डर को उसको ठीक करा के देना पड़ेगा. यानी कि अब 5 साल तक क्वालिटी की जो बात करी जा रही है, अब 5 साल तक एटलीस्ट अगर कोई चीज़ ख़राब नहीं होती तो समझ लेना क्वालिटी सही लगाई है. अब बिल्डर के ऊपर जब इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्वियसली वो क्वालिटी
देख कर ही बनाएगा, तो उससे क्या होगा कि अब डेवलपर को जो अपना बायर है उनको बड़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेरा के आने से पहले कैश में ट्रांजैक्शन बिल्डर्स ज़्यादा प्रेफर करते थे ताकि उन्हें पैसा शो ना करना पड़े, वो ब्लैक मनी बन जाए और वो अंदर खा जाए स्टैंप मनी वगैरह बचाने के लिए, लेकिन क्या रेरा के आने के बाद ग्राउंड रियलिटी क्या है, पैसे कैश इस्तेमाल हो रहा है या रेरा के आने की वजह से कालाबाजारी कम हो गई है? देखिए जैसे कोई भी बिल्डर अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है उसको रजिस्ट्री कराने के लिए, जब वो रजिस्ट्री कराता है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है उसके अंदर जब भी उसकी रजिस्ट्री कराता है। तो ये डिपेंड करता है सर्कल रेट आपका क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्कल रेट थोड़ा कम है लेकिन बिल्डर उसको हायर प्राइस पे अगर बेच रहा है तो जो स्टैम्प ड्यूटी है वो हायर प्राइस पे ही लगेगी, तो यहाँ पे आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी की चोरी नहीं है। बट जैसे कहीं हाँ ऐसा होता था कि कुछ अमाउंट वो सर्कल रेट से अगर ज़्यादा पे कर रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी वो उसी वैल्यू पे दिखाते थे या थोड़ा बहुत ज़्यादा, और मोस्ट ऑफ द जो पार्ट होता था वो कैश में ले लिया करता था। तो रेरा के आने के बाद ये ज़रूर है कि हाँ इनके ऊपर एक रेगुलेटिंग बॉडी आ गई है तो ये चीज़ें जो है बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसको खुद को लगेगा कि कहीं ना कहीं हम पकड़े ना जाएं या कुछ ना हो, हमारा प्रोजेक्ट बंद ना हो जाए, तो इसके वजह से ये बंद हो सकती है। अभी कुछ कम हुआ है? अभी तो रिसेंटली आया है और काफ़ी स्टेट्स ने फॉलो भी नहीं किया है तो मेरा इस पर टिप्पणी करना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, बट हाँ रेरा आने के बाद डेवलपर्स ने अपनी कमर कस ली है और वो बहुत एक्टिव हो गए हैं और इन सब चीज़ें पे जहाँ पे वो लूपहोल हुआ करते थे उस पर थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया है और वो एज पर जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने लगे हैं। तो ये मेरा मानना है कि हाँ इससे अब थोड़ा सा ब्लैक मनी और जो वाइट मनी वाला कंसेप्ट था वो भी ख़त्म हो जाएगा, बट सरकार को भी इसके लिए थोड़े से प्रावधान लाने पड़ेंगे जहाँ पर उनको लग रहा है कि मार्केट वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है और सर्कल रेट बड़े कम है, तो वहाँ स्टैम्प ड्यूटी की चोरी बिल्कुल हो सकती है और कोई भी बिल्डर अगर वो कम प्राइस पर दिखाएगा तो वो उसका पैसा ब्लैक मनी में जा सकता है। इसके लिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि सिंगापुर में अगर मैं बात करूँ, सिंगापुर और बाकी अदर फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पर एक जैसे रेरा यहाँ पर है वैसी वहाँ पर भी एक पॉलिसी होती है, एक एजेंट होता है और वहाँ पर हर एक प्रॉपर्टी का सर्वे कराया जाता है। तो सर्वे कराने के बाद वहाँ पर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स कर दी जाती है। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स करने के बाद ऐसा होता है कि वहाँ पर के वो जो बायर है वो उस प्रॉपर्टी को उससे ज़्यादा के प्राइस में कभी भी मनमानी नहीं कर सकता और वो उसी प्राइस में खरीदेगा। तो वहाँ पर सरकार जो है थोड़ा एक बार सिक्योर हो जाती है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी हो गई है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। इससे क्या होता है कि जो बायर है वो भी थोड़ा सिक्योर हो जाता है, स्टैम्प ड्यूटी भी सिक्योर हो जाती है। हाँ वो लेकिन एक प्रोविज़न है वहाँ पर कि वो उसको उस वैल्यू से कम में बेच सकता है। तो शायद इस तरह की कोई नई पॉलिसी आए, क्योंकि देखो रेरा अभी अभी नया आया है तो कोई भी चीज़ नई आती है तो उसको फॉलो करने में, उसके अंदर लूपहोल्स निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ी लोगों की कंप्लेंट्स आएंगे, जो लूपहोल्स लगेंगे उनको थोड़ा भरेंगे, उनको थोड़ा ठीक करेंगे, तो शायद ऐसी कई पॉलिसी आए गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें काला धंधा काला बाजारी बिल्कुल बंद हो जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी राय लेना चाहूँगा इस पर कि रेरा आ गया है, सब सारी चीज़ें लगभग ठीक चल रही हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं वो रेरा से अभी अनजान है, उन्हें पता नहीं है कि रेरा क्या है और रेरा के थ्रू उन्हें इंसाफ मिल सकता है और रेरा में वो बिल्डर की शिकायत कर सकते हैं, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए रेरा जो है एक सेंट्रली एक लॉ है और बेसिकली ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, और बट किया क्या गया है कि हर एक स्टेट वाइज ये एप्लीकेबल हो, हर एक स्टेट को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर उसको अपॉइंट करना है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है जहाँ पर उनको कंप्लेंट फाइल करनी है। अब ये अलग अलग स्टेट का इसलिए किया गया है क्योंकि जो लैंड होती है, लैंड का जो प्रोविज़न होता है और जो भी उसकी कार्रवाई होती है वो स्टेट में एप्लीकेबल होती है, इसलिए अब लॉ तो सेंट्रली है बट इसको बोला गया है कि आप हर एक स्टेट में एप्लीकेबल करो, क्योंकि हर एक लैंड की जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो स्टेट वाइज आती है। इस वजह से अब हमें कैसे पता चले, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक कुछ स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक रेरा को फॉलो ही नहीं किया है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को टाइमलाइन निकालनी चाहिए कि इस टाइमलाइन के अंदर हर एक स्टेट यानी ऑल ओवर इंडिया ये रेरा का एक तो एक्ट आप फॉलो करें, अपना ट्रिब्यूनल बनाएं, अपनी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाएं और इसकी कंप्लेंट्स लेना स्टार्ट करें। सेकेंडली अवेयरनेस, वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ये रेरा क्या है, रेरा के बारे में ही नहीं पता है उनको, ये नहीं पता कि रेरा एक प्रोविज़न आ गया जिसके थ्रू आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, और रेरा में जो प्रोविज़न बनाए हैं उसके तहत उसके अगेंस्ट अगर कोई बिल्डर काम कर रहा है तो आप उसके अंदर पेनल्टीज़ हैं, जैसे कि कुछ केसेस में पेनल्टीज है 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, कुछ केसेस में क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है, वो जेल भी जा सकते हैं 3 साल तक की। तो मैं गवर्नमेंट से यही
करूँगा रिक्वेस्ट कि आप इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं और एक टाइम फ्रेम बनाएं ताकि जितनी भी स्टेट्स हैं सब इसको जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें। रेरा आ गया, अब रेरा के बाद आपके अनुसार आपकी राय कोई कि कोई ऐसा नियम आए जिससे मार्केट में और ज़्यादा सुधार आए, मार्केट सुधरे। देखिए रेरा के बस यही मैं कहूँगा कि टाइमलाइन गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी निकालें, अवेयरनेस जल्दी से जल्दी दें, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करें। और हाँ, जैसे ही बिल्डर कोई एग्रीमेंट साइल करता है, हालांकि रेरा में ऐसा आ गया है कि कभी भी बिल्डर जब भी कोई प्रोजेक्ट निकालेगा तो रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आफ्टर अप्रूवल, उसमें रेरा की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जहाँ पे बायर को दिक्कत आए तो वो सारी उसमें लिखी होनी चाहिए कि अगर ये एज पर रेरा है, अगर इसके अगेंस्ट कोई बायर जा रहा है, डेवलपर जा रहा है, तो फिर वो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले चुके। तो एक बुकलेट मेरे ख्याल से एट द टाइम ऑफ से परचेज ऑफ फ्लैट वो एक बुकलेट भी मिलनी चाहिए जिसके अंदर रेरा के बारे में सारी जानकारी दी गई हो और वो हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेजेस में हो ताकि एक अगर कुछ कम पढ़ा लिखा आदमी है तो वो भी उसको समझ सके। तो उससे उसको फ़ायदा होगा कि भाई ये प्रोविज़न है और ये इसके अकॉर्डिंगली वो काम करे ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो उसके अगेंस्ट वो कोई एक्शन ले सके।